कश्यप के छोटे भाई हैं करण कश्यप। तो जानेंगे कि मनीष कश्यप के केस का अभी तक कहां तक प्रोसेसिंग हुआ, तो बताएंगे जरा। देखिए, जब से 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने मूव करने के लिए बोला था, उसके बाद से अभी कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं यहां पे आ गया था, पटना आ गया था, और उम्मीद लगा के आया था कि हाँ बाबा जी से मैं मिलूँगा, थोड़ा आशीर्वाद लूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। अगले हफ्ते में मैं मद्रास जा रहा हूँ, यानी चेन्नई जा रहा हूँ, उसके बाद से प्रोसेस होगा। तो बागेश्वर बाबा के यहाँ क्यों नहीं अर्जी लगा आपका? क्राउडी इतनी ज़्यादा थी कि हाँ जब, और मुझे कोई, मे भी ऐसा भी हो सकता कि हाँ मुझे कोई पहचानता नहीं है। मनीष को जानता है, मैं कभी मीडिया में आया नहीं हूँ, चाहे कभी सोशल मीडिया पे भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं एक्टिविटी किया हूँ जो आ सकूँ। तो मे भी हो सकता कि कोई मुझे जानता नहीं हो, या मेरी खबर वहाँ तक पहुँची ना हो। तो क्या आप बता सकते हैं कि मनीष कश्यप जो NSA लगा है कब तक हट सकता है, कुछ अनुमान? उस पर तो मैं क्या बताऊँगा, तो कोर्ट के पास है, ऑर्डर है, लेकिन मैं इस पर बता सकता हूँ कि हाँ जो NSA लगा हुआ है वो बिल्कुल गलत लगा हुआ है, क्योंकि जिस वीडियो पर लगा हुआ है उसका कंटेंट, उसके पहले डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बड़े बड़े नेता ने ट्वीट किया था, उसके बाद मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया, उस पर उन्होंने NSA लगा दिया। और दूसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जिस भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हो, जातिवाद नारे लगता हो, धर्म के विरुद्ध नारे लगता हो, कुछ ऐसे नेता आके बोलते हैं कि हाँ आज 10 मिनट के लिए आप पुलिस प्रशासन बंद कर दिया जाए, उन पर NSA नहीं लगती है। लेकिन मनीष कश्यप जो बिहार की आवाज़ बनकर उभरता हुआ है, जो गरीब लोगों की आंखों का आंसू पोंछता हो, चाहे जो स्वास्थ्य पे बात करता हो, शिक्षा पे बात करता हो, उस पर NSA लगाना बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात थी, और हमारे परिवार के लिए बहुत और ज़्यादा, क्योंकि हमारे परिवार में हमारे पापा आर्मी हैं, जो कारगिल का युद्ध लड़े हो, मेरे बाबा जी जो चाइना की लड़ाई लड़े हो, मेरे बड़े पापा भी हैं आर्मी में, और देशभक्ति हमारे परिवार में कूट कूट के भरी है। मनीष कश्यप के केस में अभी तक कितना पैसा लग चुका है? देखिए, पैसे तो ऐसे तो अनुमान से बता सकता हूँ 50 लाख से अप्रोक्स लग चुकी है, क्योंकि जो भी इनकम हमारा था, पापा का था, और कुछ रिलेटिव से भी लिया था, और कुछ दोस्त यार से कुछ उधार उधार, कुछ मार्केट से भी मैं लिया था, तो यही लगा। और अभी आगे कितना लगने का अनुमान है? अब तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट में देखा भी नहीं था, मैं पहली बार सुप्रीम कोर्ट को फेस किया, और 10 साल से मैं दिल्ली रहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चेहरा भी नहीं देखा था। अब मुझे अनुमान तो नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन पैसे के लिए तो भाई को छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे। जो इनका केस लड़ रहे हैं उनका कितना है एक डेट का? वो तो अब मद्रास हाई कोर्ट के पास चले गए, अब देखिए जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, वहाँ पर एडवोकेट क्या बोल रहा है, कितना फ़ी है, और हमारे लिए सब कुछ नया रहेगा, क्योंकि हम लोग फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और वहाँ से ना कोई हमारा कोई रिलेटिव है, ना दोस्त है, ना किसी का सजेशन ले सकते हैं। अब देखिए कितना मांगते हैं, कितना हम लोग को पे करना पड़ेगा ऊपर वाले जाने। मनीष जी से बात हुआ है कि अगर वो बाहर आएंगे तो क्या चुनाव लड़ेंगे या फिर से रिपोर्टिंग करेंगे? देखिए, वो चुनाव और रिपोर्टिंग की बात तो वो ही जानता, क्योंकि मैं आज तक उनको इंटरफेयर नहीं किया। वहाँ कभी डर रहता था कि हाँ जैसे जैसे कंटेंट बनाते थे, जाए भ्रष्टाचार को दिखाते थे, तो डर था, लेकिन कभी मैं इंटरफेयर नहीं किया हूँ आपके कामों को लेकर। तो चुनाव तो मुश्किल है लड़ना, लेकिन जैसे भी हो बिहार की आवाज़ बनकर फिर से आएंगे, और गरीबों के लिए फिर से अच्छा काम करेंगे। उनका जो अकाउंट सीज हुआ था 42 लाख रुपए का, क्या वो खुल गया है अकाउंट की? नहीं, अभी नहीं खुली हुई है, अभी वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। अगर वो खुल जाती तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा संजीवनी की काम करते, लेकिन अभी नहीं खुली है। और आगे जितना केस चलेगा, जितना डेट मिलेगा, इन सब के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करिएगा? देखते हैं, अब धीरे धीरे कुछ ना कुछ को एक्टिविटी करना पड़ेगा, चाहे कहीं से उधार ही लेना पड़ेगा, चाहे कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त यार है, उनके तरफ मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट सुनवाई कब होगी उनकी? अभी मद्रास हाई कोर्ट गए ही नहीं है हम लोग, अभी गए नहीं।